व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर मीम्स वीडियो। आज है थग लाइफ पाकिस्तानी मीम्स चैनल है बोलो वजाहत। भाई देखो, इंडिया में बहुत सारे कलाकार देखे हमने मीम्स वाले, क्योंकि इंडिया में बहुत मीम्स बनते हैं। अब देखते पाकिस्तान से कौन से मीम्स है। तो बोलो वजाहत चैनल से मीम्स है, बताना आपका फेवरेट मीम कौन सा होता है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और भी वीडियोज आप चेकआउट करना बोलो वजाहत चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब, गेमिंग चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1 2 3 गो। चलो भाई देखो अपने क्या। ओहो, अरे बाइक की चालू थी। आग लगा दी। पहले गिरा फिर दूसरे को तोड़ दिया। जाहिर है। अभी पूछ रही है, कुछ अरसे के बाद वो पूछेगा। मस्त जोक मारा। भाई माइक पे तो बोल, माइक तो भाई माइक आवाज की छिल्ली शोर की। हाँ दोस्त, क्या नाम तुम्हारा? अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, क्या सीन है? शर्म ना आई तुझे? ये है फैमिली है, बैठी हुई है, तू इस झाड़ है अपना। अच्छा बताओ, जानी है भाई? सही है भाई, ठीक है, जानिए अपनी मर्जी से। बस कर दे। मैं तुम्हारे लिए डंडे सोटे और पता नहीं क्या कुछ रोजाना खा रहा हूँ, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? बस विशी, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग छुप कर करेंगे निकाह। वो चुप के करने का तेरा बेड़ा तर्ज है, ये तू क्या कर रहा है? पैसा बर्बाद। राज का तो कोई ताल्लुक ही नहीं इस बात से। अब तुमको पाला हूं रे। चलो कहना ही नहीं है, क्योंकि रमजान है और मेरा अर्निंग सीजन था पुराने 10 साल पहले। अर्निंग सीजन बस वो मिस करता हूं मैं। आपको ऐसी बात भी तो नहीं कर रहे कि आपको रमजान ट्रांसमिशन मिले? एक आदमी है जो कर सकता है। कौन है? कहां से आप हैं? ओहो, ये रनिंग वो चल रहा है। ये एमवीस में आता है ना? हाँ हाँ, वो वाले। फिर बदतमीजी कर रही है यार, फिर बदतमीजी कर रही है। भाई मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, मुझे डर लगने लगा है कि रमजान ट्रांसमिशन ना देते मुझे। जब मुझे आवाज आई ना ताबिश और रमजान, तो मुझे उल्टी। बहुत बढ़िया, रिस्पेक्ट। पक्का गड़बड़ होगी। ये उस पर चढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उसके ऊपर रखना चाहते हैं इसको। तो भाई उठा कर तुमसे कोई बात नहीं, कोई दोबारा ट्राई करेंगे। नहीं, ये फोड़ेंगे, पक्का फोड़ेंगे इसको। मर जाएगा तू, मत करो, रन लो, सबर सबर करो। ये तोड़ेंगे। ओहो, मुझे लग ही रहा था करेंगे ना, कर दिया। कलाई मचा, बहुत मजा आ रहा है। इतने एफर्ट्स करे उसके बाद नास कर दिया, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम से नास। जहाँ हजारों लोग दुआएं कर रहे थे, वहां मैंने देखा कि 15-20 लोग हा हा हू कर रहे थे। अच्छा हुआ इसके साथ, बहुत टायर्ड हुआ इसके साथ। तो सवाल ये उठता है कि कौन ये लोग? कौन है? कौन है? कहाँ से आते हैं? मैं बताता हूँ इनकी, मैं मिसाल देता हूँ इनकी, मिसाल। चलो भाई देखो अपने क्या करते। बचपन में ना, जब इनके वालिद साहब की किसी से मोहल्ले में कभी लड़ाई हो जाती थी, किसी से भी, एक्स वाई जेड, आमिर भाई से लड़ाई हो गई ना इनके वालिद साहब की, वो यार फिर बदतमीजी कर रही है, यार फिर बदतमीजी कर रही। तो जब फैसला लेके गए काजी के पास, अदालत गए कि भाई अब किसकी गलती थी क्या था,
तो ये बच्चे बीच में घुसे आके कि हमें पता है किसकी गलती थी। तो काजी ने पूछा, अच्छा भाई बताओ किसकी गलती थी। कह रहे हैं आमिर भाई की गलती नहीं थी, अब्बू की गलती थी। साली गलती औलाद, ना मजा ना स्वाद। आप देख रहे थे फड्डा, अब्बू की फड्डे में तो हमने नहीं देखा, फिर कैसे पता आपको अब्बू की गलती है। कह रहे हैं असल में अब्बू जो है ना डांटते रहते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं, सुबह ज्यादा सोने भी नहीं देते, उठा देते हैं, चॉकलेट भी नहीं खाने देते, गेम भी ज्यादा नहीं खेलने देते। अब्बू घर पे नहीं होते ना, आमिर भाई आते हैं। आमिर भाई चॉकलेट्स लेके आते हैं और हमें कहते हैं बेटा सो जाके आराम से, गेम वेम खेलो, बाहर मत आना बिल्कुल। तो हम भी खुश, अम्मी भी खुश। तो इसलिए आमिर भाई सही है, अब्बू की गलती। ये लड़का कजम। अरे भैया ये तो लास्ट वाला तो अब्बू और अमीर हाँ, वाला सही हाँ। अब्बू तो मारते हैं, उठते ही साल टीवी देख रहा है, मजाक बना दे जिंदगी का, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं और चॉकलेट नहीं खाने। और जो अमीर आते हैं आते चॉकलेट भाई डेरिविल का, बेटा गेम खेल जाके तो पूरा दिन टीवी देखना, कमरे के बाहर नहीं आना है, सोना है। तू मौज ले हम भी मौज, इसलिए गलती सारी अब्बू की होता थी। मुझे वो वाला जो बाइक वाला नहीं था शुरू में स्टार्टिंग वाला, पहले मुझे लगा वो मीम से इतना ही है कि वो गिर गई, वो गिर गया और बाइक कलाकार ने क्या किया, बाइक ऑन थी, ऑन बाइक से उतर गया, स्टैंड भी लगाया, उसके बाद फिर वो बाइक गिर गई। उसके बाद जब उसने उठाई भाई साहब टक्कर मार दी उससे भाई, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, वो रखने की कोशिश पूरी करी रिक्शा हाँ। के अंदर आखिर में रख दिया, फिर खत्म, टाटा बाय बाय, रखते ही नाश भी हो गया यार, वो गलत हुआ वो दोस्त, लेकिन मेहनत वो भी अच्छा था जो था ना कि छुपके निगाह कर रहे, क्या कर रहा है मम्मी, ऐसे कर छुपके मोहब्बत, तुम्हारे लिए मैं सोटे खा रहा हूँ, डंडे खा रहा हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, लेकिन और तुम्हें भाई साहब तुम्हें इतना नहीं कर सकती, इतना नहीं करती, छुपके निगाह करने जा रहे थे। माँ ने सुन लिया, माँ ने भाई साहब तोड़ा है ना, फिर उसके क्लिप लगा के भाई ने एडिटिंग करी ना, गजब। एक वो भी एडिटिंग अच्छी कर रखी थी वाली, अय्यर वेणुगोपाल, अय्यर अय्यर वेणुगोपाल, बहुत बहुत ज्यादा वो, मैंने वो उसका वो पहली बार देखा जो वाला था ना बंदा, इससे आगे कुछ बोलते नहीं देखा मैंने। भाई आपको कैसी लगी वीडियो बताना, क्योंकि देखो थग लाइफ मीम्स हमेशा मजे के लिए होते हैं, मस्ती के लिए, किसी के लिए कभी हेट्रेड नहीं होती है, सबसे पहला पॉइंट, कभी किसी के लिए हेट्रेड नहीं। और मजा आया वीडियोस देख के, आप चाहते और ऐसी वीडियोस लाएं, पाकिस्तानी मीम्स भी लाएं, इंडियन मीम्स हम लाते ही रहते हैं, तो आप बताएं जो और ऐसे चैनल्स आपको, अगर कोई भाई को पाकिस्तान से देख रहा है तो किसी को पता हो कि ऐसे चैनल्स और हैं जिन पर पाकिस्तानी मीम्स बनते हैं, तो कमेंट कर देना चैनल का नाम, हम जरूर लाएंगे और वीडियोस, क्योंकि मीम्स यार किसको पसंद नहीं होते, क्रिएटर्स खुद कहते हैं हमारे वीडियोस से मीम्स बनाओ हाँ, है ना, एलिश भाई को भी देखा है, आशीष भाई कहते हैं फटाक से मीम बनाने लग जाओ, फटाक से मीम कैसे, फटाक से। और भाई देखो मेरे को मस्त लगी वीडियो, अगला वीडियो खतरनाक, एक से बढ़कर एक कलाकार थे, एक से बढ़कर एक। आपका फेवरेट कौन सा था बताना, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही एक और धुआंधार वीडियो के साथ, चलते हैं, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।